वेलकम टू द फर्स्ट अनबॉक्सिंग ऑफ आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू Asus के Zenfone Max M2 की। ये फोन दो वेरिएंट्स में आता है, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज और एक 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ। तो आज इस वीडियो में हम 3GB रैम वाले वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है जिस पे लिखा है Zenfone Max M2। लेफ्ट और राइट साइड की तरफ भी हमें सेम चीजें लिखी देखने को मिलती है और बॉक्स के बैक साइड पे हमें इसकी कुछ IMEI डिटेल्स और कुछ फोन की हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें एक ब्लू कलर का सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसपे लिखा है वी लव फोटो, और इस सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और एक सॉफ्ट केस फोन की सुरक्षा के लिए। तो अगर बाकी बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो इसमें हमें मेन फोन देखने को मिल जाता है जिसके रैप पे वही कुछ हाईलाइट मेंशनड है इसके प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी के बारे में। तो अभी के लिए इस फोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें और हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद हमें इसमें एक चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स, यानी कि एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर है। और इसके अलावा हमें इसमें USB टाइप ए टू माइक्रो USB केबल भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि इस फोन में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें इसके डिजाइन के बारे में, फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ऊपर के साइड हमें हेडफोन जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। नीचे के साइड हमें माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर की ग्रिल्स और फोन का मेन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। राइट साइड में हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स के साथ एक पावर बटन भी देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में हमें एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है जो कि एक ट्रिपल स्लॉट है जिसकी वजह से आप दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा पाओगे। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है इस फोन के बारे में कि ये डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। अब अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो इसमें हमें पीछे के साइड एल्यूमिनियम फिनिश देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर और नीचे के साइड एंटीना बैंड्स के पार्टीशन देखने को मिलते हैं जो कि ज्यादा नोटिस नहीं होते। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है एक 6.26 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले जो कि नॉच डिजाइन के साथ आती है। तो पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्यों किया, इन्हें फुल HD+ डिस्प्ले देना चाहिए था। पर अगर रिजोल्यूशन को साइड में रखकर सिर्फ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो सही में यार इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, और देखने से तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक IPS LCD पैनल है। बहुत ही अच्छे पॉपिंग कलर्स आते हैं और डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है, तो मुझे डिस्प्ले में कुछ खास कमी नहीं लगी। तो चलो अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 632 जो कि एक 1.8 GHz का ऑक्टा कोर CPU है और ये एड्रीनो 506 GPU के साथ आता है। तो अगर आपको इस SoC के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये काफी अच्छी और ऑप्टिमाइज्ड SoC है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस लाकर देगी आपको। अब अगर बात करें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें मैंने PUBG और एसफॉल्ट 9 खेलकर देखा था, दोनों ही गेम्स काफी स्मूथ रन हो रहे थे और मुझे एक भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिला। तो इन शॉर्ट गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है इस फोन की। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। इसमें हमें पीछे के साइड डुअल कैमरास देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक 13 MP का मेन कैमरा है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए। अब ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो कि मैंने इस फोन से क्लिक किए हैं। मुझे इसकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी काफी अच्छी लगी, डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छे से ये मेंटेन कर रहा था। एक्सपोजर में थोड़ी सी कमी थी बट डिटेलिंग बहुत थी फोटो में। और अगर बात करें इसके पोर्ट्रेट मोड के बारे में तो ये ठीक ठीक काम कर जाता है, फ्रंट और बैक कैमरा दोनों, एज डिटेक्शन भी काफी अच्छे से मेंटेन कर लेता है। पर कुछ सिचुएशंस में इसका बैक कैमरा काफी बेकार परफॉर्म करता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस फोटो में उसने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया है और गेट को भी ब्लर कर दिया है। बट मे भी ये चल के आगे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाए, पर अभी के लिए तो थोड़ी सी कमी है बैक कैमरे में। इसके अलावा इसके कैमराज में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसमें जो 13 MP वाला सेंसर है उसका अपर्चर 1.8 है जिसकी वजह से आपको कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें इसमें 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स नहीं देते, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो चलो अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें हमें मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती, तो इससे मुझे देखने को मिला पूरे 1.5 दिन का बैटरी बैकअप थोड़े बहुत हैवी यूजेज के साथ। और अगर आप एक हैवी यूजर हो तो ये आपको पूरे 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। तो इन शॉर्ट बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है इस फोन का। तो अब अगर इसकी बाकी छोटी मोटी चीजों के बारे में बात करें तो इसमें हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने
देखने को मिलता है जो कि थोड़ा स्लो है और इसे अनलॉक होने में हल्का सा डिले आता है। इसके साथ हमें इसमें फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है जो कि ऑब्वियसली 3D तो नहीं हो सकता। और बाकी इसमें हमें 5 मैग्नेट स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि काफी क्लियर और लाउड हैं। और इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसमें हमें कौन सी नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, तो इसमें हमें मल्टी कलर वाली नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है जो कि इसके ईयर पीस के अंदर ही लगी हुई है। तो मुझे तो ये काफी वियर्ड कॉन्सेप्ट लगा। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा और इस फोन की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।